जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईसी के बारे में, कि आज मैंने 2-3 दिन में वीडियो नहीं डाला हुआ है, लेकिन आज मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ कि हम आईसी के बारे में आपको पूरा करके टॉपिक सारा सब चीज़ बताएंगे। सबसे पहली बात क्या है, जो भी सारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सारे स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन एक ऑफ़र लेकर के आया हूँ, ताकि सारे बच्चे सीखें, आगे बढ़ें और उनको एक बेनिफिट मिले, एक रिजल्ट मिले और एक अच्छी ग्रोथ पे जा करके कहीं ना कहीं काम कर पाएँ। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जो भी सारे स्टूडेंट हैं जो अपना मेरी वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो को समझ रहे हैं, तो मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इससे संबंधित आपको हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, दोनों तरीके से आपको पूरी कम्प्लीटली फुल ट्रेनिंग आपको दी जाती है। मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे उसमें आईसी लेवल की प्रॉब्लम हो, चाहे ग्लास टच काम्बो लेवल की प्रॉब्लम हो, या फ़ोन के अंदर कोई भी सर्किट ख़राब हो जाए, सप्लाई लाइन ख़राब हो जाए, बोर्ड को कैसे रिपेयर करना, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाई स्टेप हम सब लोग को सिखाने वाले हैं। देखिए, अब इस कोर्स में क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अपना आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, कि आईसी क्या काम करती है, वो किस तरीके से वर्किंग करती है, ये सारी चीज़ मैं आज आपको वीडियो में पूरा आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में ये मेरा नंबर है 6391711711, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या बहुत स्टूडेंट है जो लगातार कर रहे हैं, लगातार करने के बाद उनको सीखने को समझने को सारा चीज़ मिल रहा है, या बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिन आप लोगों को क्या है कि आपको बेसिक का पूरा वीडियो मिलेगा। बेसिक वीडियो मिलने के बाद फिर अगर आप आगे ट्रेसिंग का भी सीखना चाहते हैं, या एंड्रॉयड फ़ोन के आगे रिपेयरिंग पूरी कंप्लीट सीखना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर के बारे में आप पूरा सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ वीडियो कंटिन्यू फ्लो में वीडियो बनी हुई हैं, पूरी एक से लेकर के वन डे से लेकर के पूरा 90 दिन तक का एक एक करके जो भी सारे टॉपिक्स आते हैं, सारे टॉपिक का वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो के अंदर आप जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आएंगी, उन सारी प्रॉब्लम को आप देख करके वन बाय वन करके आप समझ जाएंगे, सीखने को मिलेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे सपोर्ट के तौर पर मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में समझ सकते हो। ये जो कोर्स रहता है ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है, जो ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं या दुकान पर बैठ करके काम कर रहे हैं, या उनको रिपेयरिंग नहीं आ रही है, उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें ठीक करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारा कोर्स उनको सीखने को मिल जाएगा, और बहुत कम प्राइस में। इतने कम प्राइस का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी को 1000-2000 में इतना सारा वीडियो मिल गया, ताकि हम चाहते हैं जो ऐसे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को प्रॉपर मदद मिल पाए। और मैंने जो भी उनको 1000-2000 रुपये जो फीस का चार्ज रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है ताकि वो वीडियो आपके पास तक अच्छी पहुंच पाए। वो जो भी ऐसे बच्चे जो कोर्स करेंगे, उनके लिए कोर्स करने के लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ साथ वो सिर्फ पैसा आपको 1000-2000 रुपये जो सर्विस चार्ज लग रहा है, इसलिए लग रहा है ताकि इस एप्लीकेशन से आप जुड़े रहें और आपको वीडियो कंटिन्यू फ्लो में आपको मिलती रहे, आपको सारी चीज़ें कह करके समझ में आती रहें। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम आपको ऐसी तरीके से आपको सारी चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, तो जो हमारी टीम लगी हुई है, जो ऐसी टीम है जो वीडियो को शूट करती है, उसमें आपको पूरा एक एक करके डिज़ाइन बना करके देती है, समझा करके देती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप अगर मिनिमम एक अमाउंट देंगे तो उनका एक्सपेंसेस आपका निकलता रहेगा और आपको भी एक सर्विस मिलती रहेगी। तो ये सारा वीडियो में आपको पूरा टोटल दिया हुआ है, ये पूरा 90 दिन तक का ऑनलाइन रिपेयरिंग का कोर्स है, जिसमें आपको डेली वन बाय वन करके वीडियोस मिलेगा। इसमें वही स्टूडेंट जुड़ेंगे जो अपने पेड स्टूडेंट्स होंगे, उनको एक एक करके पूरा सर्विस मिलेगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि आईसी के बारे में। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या पूरा नाम होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सब मोबाइल फ़ोन में आईसी पाई जाती है। आप आईसी कह सकते हैं, आईसी उस सेक्शन का कंट्रोलिंग हब होता है। आईसी क्या काम करता है? उस चीज़ को कंट्रोल करता है। आईसी जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे मिलियन ट्रांजिस्टर्स हो गए, मॉस्फेट हो गए, या डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, इन सब चीज़ों से मिल करके एक आईसी तैयार होती है। हर एक सेक्शन का आईसी उस सेक्शन का बॉस होता है। जैसे पूरे सेट को कंट्रोल करता है, तो मान लिया सीपीयू सेक्शन है, सीपीयू उस चीज़ को चलाता है। मान लिया सॉफ्टवेयर जो स्टोर होता है, वो आपका एमएमसी आईसी हो गई, फ्लैश आईसी हो गई, या सॉफ्टवेयर आईसी हो गई, प्रोग्रामिंग आईसी हो गई, या जो पूरे सेट को सप्लाई देता है, या तो उसे पावर आईसी कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग आईसी नाम से आती है। आईसी फोन का मेन कंट्रोलिंग
पार्ट है, आईसी फोन का मेन कंट्रोलिंग पार्ट है, जो सभी सेक्शन की अलग अलग लगी होती है। आईसी कह रहा था, आईसी फ़ोन का मेन कंट्रोलिंग पार्ट है जो सभी सेक्शन की अलग अलग लगी होती है। जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन की आईसियाँ जो होती हैं वो अलग अलग आईसियाँ लगी होती हैं। वो आईसियाँ क्या काम करती हैं, उस चीज़ को चलाती हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। तो आईसी फ़ोन का मेन कंट्रोलिंग पार्ट है जो सभी सेक्शन की अलग अलग आईसी लगी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली आईसी जो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टू साइड पिन आईसी। क्या बोलते हैं भैया? टू साइड पिन आईसी। टू साइड पिन आईसी क्या होता है? जिसमें दो तरफ पिने होती हैं, ऐसे ये टू साइड पिन होती हैं। टू साइड पिन में क्या होता है, आईसी में एक डॉट लगा होता है। क्या लगा होता है? डॉट लगा होता है। इस डॉट से ये पता चलता है कि ये पिन नंबर फर्स्ट है। हमेशा आईसी में क्या रहता है, डॉट यही बताता है कि वो पिन नंबर फर्स्ट है। दूसरी बात क्या रहता है, डॉट से ये भी पता चलता है कि वहीं से आपकी आईसी के पिनों की काउंटिंग स्टार्ट होने वाली है। जैसे मान लिया ये डॉट लगा है तो ये पिन नंबर आपको फर्स्ट हो गया, तो ये फर्स्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा। ये सारी इतनी अलग अलग डिफरेंट पिनें हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारी पिनें हो गई। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉक काउंट करेंगे। जैसे मान लिया आपके पास ये आईसी है, ये 10 पिन की आईसी लगी है। अब मान लिया इस आईसी में डॉट यहाँ पर लगा हुआ है तो फिर वही भाई है, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी का जस्ट उल्टा। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे एंटी क्लॉक पिन को काउंट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी आईसी कौन सी होती है, टू साइड पिन आईसी होती है जिसमें डॉट लगा होता है। डॉट से पिन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से हम आईसी को पिनों को क्या करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं। उसके बाद अगली आईसी के बारे में बात करेंगे, ये आपने देखा टू साइड पिन आईसी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। कौन सी आईसी होती है अपनी, टू साइड पिन आईसी। अब हम बात करेंगे फोर साइड पिन आईसी। फोर साइड पिन आईसी का मतलब क्या होता है, जिसमें चारों तरफ पिने दी होती हैं, मतलब फोर साइड मतलब चारों साइड पिने होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फोर साइड पिन आईसी। फोर साइड पिन आईसी का मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे इसमें इस तरीके से पिने होती हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये चारों तरफ चार चार पिन करके होती हैं। अब आईसी में क्या होता है, जैसे मान लिया आपने देखा यहाँ पर डॉट लगा है, तो ये डॉट का मतलब क्या होगा, पिन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, मतलब एंटी क्लॉक। आपको क्या करना है, एंटी क्लॉक काउंट करना है। आईसी जब भी आप निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे जिस तरफ पिन रहेगा आप उसी तरफ पिन को लगाएंगे, उल्टा गलत नहीं लगाएंगे, वरना आईसी आपको काम नहीं करेगी और प्रॉब्लम आपके लिए कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी। तो ये डॉट लगा होता है इससे पिन नंबर फर्स्ट का पता चलता है। उसके बाद आपकी अगली आईसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीजीए आईसी। पीजीए का पूरा नाम होता है पिन ग्रिड एरे, ये आपकी पीजी आईसी होती है। पीजी आईसी का नाम होता है पिन ग्रिड एरे। ऐसी आईसी क्या होता है जिसके में क्या होता है, अंदर की तरफ पिनें पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपकी लगी हुई है, इस आईसी में ऐसे अंदर की तरफ पिनें होती हैं। अब देखिए मैं आपको जो आईसी के बारे में बता रहा हूँ ये सारी आईसियाँ अभी बोर्ड में आपको दिखाऊंगा भी, आप टेंशन मत लीजिए, बस खाली हम चीज़ों को समझते रहिए। तो पीजीआईसी बोलते हैं, पीजीआईसी का पूरा नाम होता है पिन ग्रिड एरे। तो आईसी में क्या होता है, वही सेम एक भैया डॉट लगा होता है, डॉट से पिन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे आईसी के बारे में आपको पता चलता रहता है। तो ये आपकी आईसी कौन सी होती है, पीजीआईसी। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक और आईसी बताता हूँ जो आजकल ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में चल रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं बीजीआईसी। बीजीए का पूरा नाम होता है बॉल ग्रिड
एरे, ये BGIC होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल ग्रिड एरे। ये जो भी सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में IC पाई जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ ऐसे पिनें बनी होती हैं, इस तरीके से IC में क्या होते हैं, पिनें बनी होती हैं। पिन बनने में क्या होता है, IC में एक डॉट लगा होता है, डॉट से ये पता चलता है कि यहाँ से पिनों की काउंटिंग शुरू होती है। लेकिन इसमें पिनों की काउंटिंग कैसे होती है, ऐसे लिखा होता है ABCDEF, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। अगर मान लिया आपको ये पिन पता करनी है तो ये वाली पिन हो जाएगी 10, हो जाएगी C 10, हो जाएगी 3, तो ये वाली पिन कौन सी हो जाएगी, C 3। अगर इस वाली की बात करेंगे तो ये हो जाएगी पिन EF है, तो F होगा, ये 4 होगा, तो ये पिन का नंबर कितना हो जाएगा, F4। तो इस तरीके से हम ये पता करेंगे कि IC में ये पिन का नंबर कौन सा है। लेकिन कुछ IC ऐसी आती हैं जो तुम्हारी डिजाइन वाली आती हैं, जैसे पावर IC PM8923 हो गए, जो IC बनी होती है उसमें क्या होती है, अगर आप देखेंगे तो डिजाइन होती है। आपका तो सर डिजाइन कैसे होता है, ऐसे बने हुए, मतलब आप देखिए यहाँ पर बीच में गैप है, यहाँ भी बीच में गैप है। तो अगर आप पिनों को काउंट करेंगे तो सेम वही तरीका हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा ABCD, ये 1 2 3 4, जो पीस की पिन गैप होगी वो गैप हो जाएगी, बाकी पिनों को काउंटिंग आप उसी हिसाब वे में कर लेंगे। तो ये पिन काउंट करने का तरीका रहता है कि हम इस IC को कैसे पिन को काउंट कर सकते हैं। आप देखिए, अब हम बात करेंगे, अब देखिए, अब हम बात करेंगे IC के बारे में। नोट, सबसे पहली बात क्या होता है, जितने भी मोबाइल फ़ोन में जो IC लगी होती है, तो IC के बारे में कुछ कॉमन सी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, IC की कोई टेस्टिंग नहीं है, IC की कोई टेस्टिंग नहीं बनी है, IC को कोई चेक करने का तरीका नहीं कि आप IC को चेक कर लो कि सही है ख़राब है, तो IC की कोई टेस्टिंग नहीं बनी है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है, IC हीट होने पर ख़राब है, IC क्या है, IC हीट होने पर ख़राब है। जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, अगर उस मोबाइल फ़ोन में IC हीट हो रही है, तो इसका मतलब कि IC ख़राब है। IC को इनपुट और आउटपुट से ओके फॉल्टी का पता करते हैं। IC को इनपुट और आउटपुट से, मतलब IC को जब हम चेक करेंगे तो कोई भी IC होती है, उस IC में, जैसे मैं कहता हूँ ये IC बनी है, इस IC में अगर इनपुट आ रहा है और आउटपुट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी IC काम करेगी। अगर उसमें इनपुट ही नहीं आएगा तो IC काम कैसे करेगी। अगर IC में इनपुट आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या, IC ख़राब है। हमारे मोबाइल फ़ोन में पावर IC को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, पावर IC को ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि जैसे मान लिया मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन आया, उस मोबाइल फ़ोन में ये मान लिया पावर IC लगे, एग्जाम्पल सी बात है। हमने क्या किया, फ़ोन को सबसे पहले चार्जिंग पर लगा दिया, चार्जिंग पर लगाने के बाद जो सप्लाई होती है पावर IC पर करंट जाता है, फिर पावर IC क्या काम करती है, अपने अंदर से करंट निकालती है और सप्लाई बाहर निकालती है। हम लोग क्या काम करते हैं, फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अब पावर IC का काम होता है 3.7 वोल्ट को लेना और उसको कई अलग अलग वोल्टेज में तोड़ देना, जैसे 1.8 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज में तोड़ देना। तो यहाँ से पावर IC ने वोल्टेज लिया, अलग अलग वोल्टेज दे रही है, मतलब वोल्टेज ले रही है लेकिन अलग अलग वोल्टेज अगर दे रही है, तो इसका मतलब पावर IC आपकी एक्टिव है। अगर नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या है, आपकी पावर IC फॉल्टी है। तो इस तरीके से जो भी मोबाइल फ़ोन की IC हैं, उन IC को हम इनपुट और आउटपुट से हम लोग ओके फॉल्टी का पता करते हैं। तो जैसा कि आज मैंने आपको वीडियो, मैंने आपको IC के बारे में पूरा आपको
समझाया हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी वीडियो के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी सारी चीज़ें आपको समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जो भी जैसे स्टूडेंट्स हैं आपको एक एक करके जो भी इसके बारे में आपको हेल्प हो सकती है आपको पूरी हेल्प मिले, आपको समझ में आए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं आपके लिए कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से भी मुझे इतना सपोर्ट चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि जब एक दूसरे का सपोर्ट होगा तभी एक दूसरे को सीखा सिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको सिखाने के लिए आ गया, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहते। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कोई भी नहीं तुम्हें सिखा सकता। तो इसी तरीके से ये है कि आप लोगों में कम से कम इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, वो आपको प्रॉपर वे में एक एक करके समझ में आनी चाहिए। नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए, मुझसे पूछिए। अगर जब तक अगर आप नॉलेज आप ले रहे हैं उस नॉलेज का अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, तब तक समझ लीजिए आपको टोटल वेस्ट है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको प्यास लगी और पानी मिल गया तो समझ लीजिए अमृत है। अब प्यास नहीं लगी, मैं आपको ज़बरदस्ती पानी डाल दूँ तो आप क्या हो गए, सोचो अरे तो मारने पर लगा है ये, क्या पानी पिला पिला के मार देगा क्या? तो उसी तरीके से क्या है कि अगर आपको इस लेवल में नॉलेज नहीं है, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, हम आपके नॉलेज की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी उस चीज़ में लगिए, उस चीज़ को प्रॉपर वे में सीखिए। अगर थोड़ा सा एक्सपेंसेस होता है थोड़ा सा एक्सपेंस करिए, ताकि आप सीख करके एक मजबूत और कामयाब आदमी बनिए, ताकि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आए और आप उससे 100% सारे मोबाइल फ़ोन अच्छे तरीके से ठीक हों। देखिए जैसे ये हमारे जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन के ना जो ब्लैक कलर की लगी होती है, इनको हम लोग आईसी बोलते हैं। ये जैसे आपका सबसे बड़ी आईसी, इसमें मीडियाटेक लिखा हुआ है, तो ये हमारे फ़ोन की सीपीयू आईसी है। और ये एक लंबी सी आईसी लगी है, इसके अंदर स्काइनस लिखा हुआ है, तो ये आपकी एमएमसी आईसी है। और हम जैसे जब बात कर रहे जिक्र कर रहे थे आईसी के बारे में, तो सबसे पहली आईसी होती है, मैंने आपको बताया कि टू साइड पिन आईसी। टू साइड पिन आईसी क्या होता है, उन आईसी को बोलते हैं जिसमें दोनों तरफ पिनें होती है। अगर आप इसे देखेंगे गौर से, इसमें दोनों तरफ पिन है, तीन पिन इस तरफ दी हुई है और तीन पिन इस तरफ दी है, इसे बोलते हैं टू साइड पिन आईसी। उसके बाद फिर आपके मोबाइल फ़ोन में मैंने आपको बताया फोर साइड आईसी। फोर साइड आईसी का मतलब क्या होता है, ऐसी आईसी जिसमें चारों तरफ पिनें पाई जाती हैं। देखिए मैं आपको पहली बार तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी फोर साइड आईसी। ये देखिए ये आईसी लगी यहाँ से निकली हुई है, जैसे फोर साइड आईसी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पीजी आईसी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आईसी लगी है, इसमें गौर से अगर तिरछा करके देखेंगे तो इसमें अंदर की तरफ पिनें दिखती हैं। या इसी को अगर गौर से दिखाएंगे तो इसमें अंदर की तरफ पिनें दिखेंगे। देखो साइड की तरफ पिनें दिख रही हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे पिनें अंदर की तरफ घुस रही हूँ, इनको हम पी जी आई सी बोलते हैं। उसके बाद बी जी आई सी वो होती है जिन्हें हम बोलते हैं बॉल आई सी। जैसे अगर आप देखेंगे ये बॉल आई सी लगी एंड्रॉयड फ़ोनों में, देखिए जैसे ये इसका सी पी यू हमने निकाला हुआ है, इसके अंदर की पिनें सारी शॉर्ट हो गई हैं, बच्चों ने शॉर्ट कर दी हैं, तो ये सारी बॉल बनी, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बी जी आई सी, बॉल आई सी। ठीक है, और ये आईसी जब आप निकालेंगे तो इन्हें बोलते हैं बी जी आई सी। इन आईसीयों को जब इसके अंदर से निकालेंगे तो आपको बॉल टाइप में निकलेंगे। तो जैसा कि आज आपकी वीडियो में मैंने आपको सारी आईसी की आइडेंटिफिकेशन कराई है, अब आगे की वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको आईसी की आइडेंटिफिकेशन करा दी है और आपने आईसी ये देख पहचानना सीखा हुआ है कि ये टू साइड है कि फोर साइड है। और आगे की वीडियो में आईसी का आपको, ये तो पहला पार्ट था कि सिर्फ मैंने आईसी को जनरली इन्फॉर्मेशन बताई है, अब आईसी के बारे में अगला पार्ट आपको मिलेगा कि मोबाइल फ़ोन का ना टोटल आईसी को पहचानते कैसे हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में टोटल मुझे लगता है कि 10 या 12 तरीके की आईसी पाई जाती हैं। वो आईसी क्या होते हैं, जैसे सीपीयू आईसी, पावर आईसी, फ्लैश आईसी या एमएमसी आईसी, चार्जिंग आईसी, डिस्प्ले आईसी, कीपैड आईसी, ग्राफिक्स आईसी, लाइट आईसी, रिंगर आईसी, मेमोरी आईसी, तो इस तरीके से ब्लूटूथ, एफएम, वाईफाई आईसी, तो ये सारे सेक्शन अलग अलग बने होते हैं, उनके सेक्शन के अलग अलग आईसी लगी होती हैं। तो उस आईसी को कैसे पहचानेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आईसी को फ़ोन के अंदर कैसे पहचानेंगे। तो जो भी सारे स्टूडेंट जो सब चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वही अपना नंबर 6391711711 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। जो भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है मुझे प्रॉपर वे में आपको बताएं, मुझे बताएं, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू दोस्तों। तो देखिए जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन के ना जो ब्लैक कलर की लगी होती है, इनको हम लोग आईसी बोलते हैं। ये जैसे आपका सबसे बड़ी आईसी, इसमें मीडियाटेक लिखा हुआ है, तो ये हमारे फ़ोन की सीपीयू आईसी है। और ये एक लंबी सी आईसी लगी है, इसके अंदर स्काइनस लिखा हुआ है, तो ये आपकी एमएमसी आईसी है। और हम जैसे जब बात कर रहे जिक्र कर रहे थे आईसी के बारे में, तो सबसे पहली आईसी होती है, मैंने आपको बताया कि टू साइड पिन आईसी।
टू साइड पिन आईसी क्या होता है, उन आईसी को बोलते हैं जिसमें दोनों तरफ पिनें होती है। अगर आप इसे देखेंगे गौर से, इसमें दोनों तरफ पिन है, तीन पिन इस तरफ दी हुई है और तीन पिनें इस तरफ दी हैं, इसे बोलते हैं टू साइड पिन आईसी। उसके बाद फिर आपके मोबाइल फ़ोन में मैंने आपको बताया फोर साइड आईसी। फोर साइड आईसी का मतलब क्या होता है, ऐसी आईसी जिसमें चारों तरफ पिनें पाई जाती हैं। देखिए मैं आपको पहली बार तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी फोर साइड आईसी, ये देखिए ये आईसी लगी यहाँ से निकली हुई है जिसे फोर साइड आईसी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पीजी आईसी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आईसी लगी है, इसमें गौर से अगर तिरछा करके देखेंगे तो इसमें अंदर की तरफ पिनें दिखती हैं। ये आईसी को अगर गौर से दिखाएंगे तो इसमें अंदर की तरफ पिनें दिखेंगे, देखो साइड की तरफ पिनें दिख रही हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे पिनें अंदर की तरफ घुस रही हूँ, इनको हम पीजी आईसी बोलते हैं। उसके बाद बीजी आईसी वो होती है जिन्हें हम बोलते हैं बॉल आईसी। जैसे अगर आप देखेंगे ये बॉल आईसी लगी एंड्रॉयड फ़ोनों में, देखिए जैसे ये इसका सीपीयू हमने निकाला हुआ है, इसके अंदर की पिनें सारी शॉर्ट हो गई हैं, बच्चों ने शॉर्ट कर दी हैं, तो ये सारी बॉल बनी, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बीजी आईसी, बॉल आईसी, ठीक है। और ये आईसी जब आप निकालेंगे तो इन्हें बोलते हैं बीजी आईसी। इन आईसीयों को जब इसके अंदर से निकालेंगे तो आपको बॉल टाइप में निकलेंगे। तो जैसा कि आज आपकी वीडियो में मैंने आपको सारी आईसी की आइडेंटिफिकेशन कराई है, अब आगे की वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको आईसी की आइडेंटिफिकेशन करा दी है और आपने आईसी ये देख पहचानना सीखा हुआ है कि ये टू साइड है कि फोर साइड है। और आगे की वीडियो में आईसी का आपको, ये तो पहला पार्ट था कि सिर्फ मैंने आईसी को जनरली इन्फॉर्मेशन बताई है, अब आईसी के बारे में अगला पार्ट आपको मिलेगा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर टोटल आईसी को पहचानते कैसे हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में टोटल मुझे लगता है कि 10 या 12 तरह की आईसी पाई जाती हैं, वो आईसी क्या होते हैं, जैसे सीपीयू आईसी, पावर आईसी, फ्लैश आईसी या एमएमसी आईसी, चार्जिंग आईसी, डिस्प्ले आईसी, कीपैड आईसी, ग्राफिक्स आईसी, लाइट आईसी, रिंगर आईसी, मेमोरी आईसी, तो इस तरीके से ब्लूटूथ, एफएम, वाईफाई आईसी, तो ये सारे सेक्शन अलग अलग बने होते हैं, उनके सेक्शन की अलग अलग आईसी लगी होती हैं। तो उस आईसी को कैसे पहचानेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आईसी को फ़ोन के अंदर कैसे पहचानेंगे। तो जो भी सारे स्टूडेंट जो सब चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वही अपना नंबर 6391711711 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, जो भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है मुझे प्रॉपर वे में आपको बताएं, मुझे बताएं ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू दोस्तों।